अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय मिनी किचन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैर से होंगे। तो आज हम अपनी किचन में क्या बनाने वाले हैं, आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं दही भले। ये कैसे बनते हैं हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले जो चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का जो है आपने पूरा देखना है। तो चलिए जी, अब चलते हैं अपने किचन में और दही भले बनाते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में और अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी दही भल्ले। तो चलिए जी, अब जाते हैं अपने किचन। तो इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए वो ये है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बेसन जो कि दही भल्लों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, ज़ीरे के बाद यहाँ पर मैंने ली है धड़ा मिर्च, ये इमली में डालेगी। और यहाँ पर थोड़ा सा लिया है नमक, केचप लिया है और यहाँ पर लिया है मीठा सोडा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है दही जो कि ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने साथ में ही इमली का पानी जो है, इमली को सबसे पहले जो है बॉईल कर लिया था, उससे मैंने इमली का पल्प निकाल लिया। तो चलिए जी, आप चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह का मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले मैं ये बेसन। बेसन जितना भी आप लोगों ने दही भले बनाने हैं उस हिसाब से आपने बेसन लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से दही भले बनाने हैं इसलिए मैंने यहाँ पर बेसन इतना सा ले लिया है। उसमें ऐड करना है सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ज़ीरा। ज़ीरा बहुत ज़रूरी है इसमें, तो हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। इस तरह से एक चम्मच हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया। इसकी जगह आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, इसमें जाएगा नमक, ये नमक भी ज़रूरी है इसमें। इस तरह से एक चम्मच जो है मैंने इसके अंदर नमक भी डाल लिया है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मीठा सोडा। इसमें हमने मीठा सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, इसमें मीठा सोडा ऐड करना है क्योंकि दही भल्ले बना रहे हैं। इसमें इसको फुलाने के लिए हमने यहाँ पर मीठा सोडा लेना है, इतना सा ही काफ़ी रहेगा, ज़्यादा इसमें नहीं डालना। मतलब इतना सा अगर बेसन दिया है तो उसमें एक चुटकी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी और फिर हम बेसन को अच्छे से घोल लेंगे पानी में। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। और यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि आपने बैटर को ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है। जो हमारे दही भले तैयार होंगे वो फिर अच्छे से तैयार होंगे। इसी तरह से हमने पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह से ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है चम्मच से, ताकि ये फ्लफ़ी सा हमारा बैटर जो है तैयार हो जाए। इस तरह से हमने इसको इतना ज़्यादा मिक्स कर लेना है। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, दही भल्ले थोड़ी देर के लिए रखते हैं इसको। उसके बाद हमने यहाँ पर रखनी है कढ़ाई चूल्हे पर और हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाने हैं दही भल्ले, उनको फ्राई करना है। इसलिए यहाँ पर मैंने एक डाल के चेक भी कर लिया है, हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने किस तरह बनाने हैं, यहाँ पर हमने चम्मच को ऐसे खड़ा कर देना ऊपर, ताकि हमारा जो दही भल्ले हैं वो गोल तैयार हों इस तरह से। और आपने फिर इसको चम्मच को इस तरह से ही ऊपर खड़े कर देना है, ताकि बैटर जो है सही से नीचे जाए और दही भल्ले अच्छे से तैयार हो जाए इस तरह से। क्योंकि अगर हम लोग इसको फिर इस चम्मच को घुमाए फिरेंगे तो हमारे दही भल्ले जो हैं जलेबी की तरह तैयार होंगे, वो सही नहीं तैयार होंगे। इस तरह से सारे दही भल्ले हम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल जो है हमारा अभी तो थोड़ा सा हमने इससे गरम कर लिया था। इसके बाद आपने ये करना है कि इसकी आँच जो है ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इसी तरह से आपकी आँच थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे दही भल्ले इसमें ऐड कर दिए और ये बनना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए इसके अंदर बबल्स आ चुके हैं, तो हमारे दही भल्ले बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमने सारे दही भल्लों को बना लेना है, जितना आप बनाना चाहते हैं उतने ही बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से हम इन्हें पलट भी लेते हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे तैयार हुए। क्योंकि अगर हम लोग इसको चम्मच खड़ा करके नहीं बनाएंगे तो फिर वो हमारे जलेबी की तरह बन जाएंगे और फिर वो ख़राब भी हो सकते हैं। इस तरह से ये तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सारे दही भले मैंने इसी तरह से तैयार करने हैं और यहाँ तकरीबन सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब हमने करना है कि जितने भी दही भले हमने लिए हैं इसे रखेंगे एक बाउल में। इस तरह से हमारे दही भले ऊपर से क्रिस्पी होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग दही भले बनाएंगे ना, तो ये देखिए इस तरह एक बाउल में सारे दही भल्लों को डाल देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पानी, और पानी थोड़ी देर के लिए इसको हम पानी में रखेंगे और इसके बाद हमने इसका पानी निचोड़ लेना है। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, क्योंकि फिर इस तरह से ये होगा कि हमारे दही भल्ले ज़्यादा गल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जब इसके अंदर पानी जज्ब हो जाएगा तो हमने इसे फ़ौरन से निकाल लेना है इसी तरह से थोड़ी देर के लिए। और अब ये देखिए थोड़ी देर हो चुकी है, तो पानी अच्छे से जज्ब हो चुका है अंदर, तो हमने अभी हाथ में जैसे निचोड़ लेंगे सारा पानी।
आराम से निचोड़िया का, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारे दही भल्ले जो हैं ख़राब हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारा पानी जो है मैंने निकाल लिया है। और अब हमने क्या करना है, अब हम खट्टी मीठी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर इमली का पल्प निकाल लिया था, मतलब इमली को मैंने पानी में सबसे पहले भिगोया था, उससे जितना भी हमारा इमली का ये पल्प निकला वो मैंने निकाल लिया। इसको हम इसमें ऐड करेंगे पैन में, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा पानी। इस तरह से हमने पानी को और इमली को मतलब इतना सुखा देना जितनी भी आपको इमली चाहिए इस तरह से। तो अब हम इसे ऐड करेंगे, इसमें खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो इसमें ऐड करनी है चीनी। इस तरह से हमने इसमें ऐड कर ली है एक से दो तीन चम्मच जो है मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें ऐड करने वाले हैं धड़ा मिर्च। धड़ा मिर्च आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिए, बट यहाँ पर मैं ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। इसमें हमने ऐड करनी है एक से दो चम्मच, इसमें मैं धड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे हो जाएगी हमारी चटनी स्पाइसी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, अगर फ़ौरन से अगर आप दही भल्ले बनाएं कभी तो उसके साथ खा सकते। तो अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा नमक, ताकि इसके अंदर नमक भी पूरा हो जाए। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं और अब हम थोड़ा सा और इसे पका लेंगे ताकि चटनी जो है अच्छी से तैयार हो जाए। इस तरह से हमारी चटनी जो है काफ़ी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसे उतार लेंगे, हम इस पैन से एक बाउल में निकाल लेंगे सारी चटनी को। और अब हमने क्या करना है, बनाना स्टार्ट करने हैं भल्लों से, दही भल्ले बनाना। खट्टी मीठी चटनी तो तैयार कर लिया है और साथ में हम हरी धनिया और हरी मिर्चों से जो चटनी तैयार करनी है वो ये है। इसका पेस्ट मैंने निकाल लिया था हरी धनिया और हरी मिर्चों का। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये दही। इस तरह से आपने जितना भी आपने ग्रीनिश रखना है उस हिसाब से आपने इसमें अंदर दही डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ज़्यादा ग्रीन रखना था इसलिए थोड़ी सी इसके अंदर हमने दही ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारी ये ग्रीन कलर की चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बनाना स्टार्ट करेंगे दही भल्ले। तो अब हमने इसके बाद क्या करना है, चटनी को साइड पर रख देते हैं और ये दही जो हमारी बची है इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये चीनी, क्योंकि इससे क्या होगा कि मीठी मीठा सा फ्लेवर आएगा। इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है चीनी, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा जितनी भी, थोड़ा सा मीठा रखने के लिए। हम इसके अंदर दही के अंदर अच्छे से फ्लफी सा इसे हमने इतना ज़्यादा इसको मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, ताकि हमारी दही सही से इक्वल हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, ये भी हमने तैयार कर ली है। तो अब फाइनली हम बनाना स्टार्ट करेंगे भल्लों से दही भल्ले। ये देखिए इस तरह से हमारी दही ये वाली तैयार हो चुकी है। तो ले लेने हैं हमने एक प्लेट में सारे भल्ले, इस तरह से मैंने रख लिए हैं। ऊपर हम डालेंगे सबसे पहले ये वाली दही जो जिसके अंदर हमने चीनी डाल ली थी और थोड़ी सी ये मीठी हो चुकी है। इसके ऊपर डालेंगे सबसे पहले ये दही, सारी दही जितनी भी आप डालना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसमें ऐड करनी है। बाज़ार से जो दही भले बनते हैं उसके साथ भी इसी तरह से चटनी होती है, केचप होता है, खट्टी मीठी चटनी होती है, ग्रीन कलर की चटनी होती है। तो मैंने भी आज यहाँ पर सारी चटनियाँ तैयार कर ली हैं साथ में मसाला, और बहुत ही ज़बरदस्त भले हमारे तैयार होने वाले। यहाँ पर हमने दही डाल लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करनी है ग्रीन वाली दही, ग्रीन वाली चटनी। ये देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसी रखने के लिए इसके अंदर हमने ज़्यादा हरी मिर्च डाली थी। इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डाल देनी है, हरी चटनी डाल देनी है इसके ऊपर से। जितना भी आप ज़्यादा पसंद करते हैं उतनी ही डाल दीजिएगा। और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये जो मेरी फेवरेट खट्टी मीठी चटनी तैयार हुई है, जो कि मैंने खुद तैयार की है, ये इसके ऊपर ऐड करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी रखने के लिए आप इसके अंदर और भी ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फाइनली सारी चीज़ें डाल ली हैं। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे मसाला, चाट मसाला, जितना भी ज़्यादा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर डाल लिया है चाट मसाला। और ये देखिए हमारी फाइनली दही भल्लों की ट्रे, सॉरी दही भल्लों की प्लेट जो है तैयार हो चुकी है। इसी तरह से घर पर तैयार की
माशाल्लाह बहुत खूब हमारे दही भल्लों की रेसिपी तैयार है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। सही स्पाइसी चटनी भी हमने साथ में तैयार की, खट्टी मीठी चटनी, ग्रीन कलर की चटनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से होती है हौसला अफजाई ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो चले जी, अब हम खाना स्टार्ट करते हैं दही भल्ले, और चेक करते हैं हमारे दही भल्ले कैसे तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। तो चले जी, अब हम चम्मच की मदद से खाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग एक बाइट लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारे दही भल्ले और जूसी तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। लाइक एंड शेयर। ज़बरदस्त दही भल्लों की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक एंड का बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियोज जो है आप तक जल्द पहुँच सके और आपसे देख सके। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।